हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं पूजा गुप्ता अगेन आप लोग का वेलकम करते अपने यूट्यूब चैनल स्टाइल ऑफ स्त्री में। सो आज जो है थर्ड डे है गांव में, और हम लोग आज जा रहे हैं वापस फैज़ाबाद। और अभी तो नहीं जाएंगे, लेकिन इवनिंग में जाएंगे। अभी जो है कुछ काम हम लोगों का पेंडिंग में है, जैसे सोने अभी टेंट वगैरह का काम, वो सब तो पापा और भैया देख लेंगे। बट हम लोगों का जो अपना घर का काम है, वो सारा चीज़ हम लोग निपटा के फटाफट इवनिंग में निकलेंगे फैज़ाबाद के लिए। सो, आपको एक बार मैं अपने घर को दिखा देती हूँ। लास्ट टाइम फिर कब आना होगा ये तो हमें भी नहीं पता था। ये ओकेशन हुआ तो हम सारे लोग यहाँ गाँव आए, और बहुत दिन बाद गांव आके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। बहुत सारे ऐसे लोगों से मैं मिली जिनसे नहीं मिली थी, उनमें से मैं आपको मिलवाती हूँ। तो Hello. ये है विशाल, और ये मेरी ननद का लड़का है, और मैं इसे फर्स्ट टाइम मिली हूँ। ये कानपुर में रहता है और यहाँ आया, और मेरे ब्लॉग में भी मेरी काफ़ी हेल्प की कल रात में। कल भी इसने मेरी काफ़ी हेल्प की, और काफ़ी अच्छी फ़ोटो भी क्लिक करता है, और बहुत अच्छा लगा इन लोग के साथ, बहुत अच्छा टाइम गया। सो, कुछ बोलना चाहोगे? हेलो, मेरा नाम विशाल, अभी मैं पोस्टेड हूँ अमेठी में। तो फिर यहाँ पे रामायण था कल, इसलिए आया था मैं, और अभी ड्यूटी लगती रहेगी अयोध्या में हमारी। लखनऊ में भी आना, मैं लखनऊ में रहती हूँ। हाँ, लखनऊ में भी हमारी सिस्टर है, उसकी पोस्टिंग है। अच्छा, तो फिर क्या कहते हैं, वो भी ड्यूटी लगी हुई है, वो भी आई थी अभी नीचे ही है वो। हाँ, जिनको मैंने रात में मेहंदी लगाई थी, आपको याद होगा जिस दिन रामायण था रात में मैंने 1 बजे उसे मेहंदी लगाई थी। तो आप, उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन आपको दिया था, तो ये उनके भाई हैं। और विशाल, मेरी कंपनी तुम्हें कैसी लगी? प्रोग्रेस हो आपकी। थैंक यू, बाय बाय। और चलिए फिर मैं आपको नीचे लेके चलती हूँ, सब लोग लंच कर रहे हैं। सो, एक लास्ट टाइम देख लीजिए मेरे घर को, और अभी मैं जा रही हूँ नीचे, सब लोग कर रहे हैं लंच, और लंच में बना है दाल चावल। सो, चलिए मैं मिलवा देती हूँ पापा से। ये प्लेट बढ़िया है। एक बार मैं अपना घर पूरा दिखा देती हूँ आपको। ये है मेरा घर, और नहीं नहीं वीडियो कॉल पे नहीं दिखा रहे हैं। सो गाइस, सारा फंक्शन खत्म हो गया, हम लोगों ने पैकिंग कर ली, बस निकलने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि ना दीदी से, तो दीदी कैसा लगा हम लोग आए तो? बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है इस बार, बहुत बढ़िया। तो अब हम जा रहे हैं, फिर अब आप आइएगा फैज़ाबाद, ठीक है? बिल्कुल आएंगे। हाँ, चलिए तब तक बाय बाय। बाय बाय। हाँ, इनकी तरफ से मैं अभी आपके साथ कंटिन्यू रहूँगी। हाँ गाइस, लोग समदा के लिए निकल चुके हैं गोसाईगंज से, और हम लोग पैदल ही जा रहे हैं क्योंकि गांव ज़्यादा दूर नहीं है। सो, हमारे जीजा जी जो है धीरे धीरे चल रहे हैं, और दीदी को पैदल नहीं जाने दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि गाड़ी में बैठो, गाड़ी में बैठो। हाँ जीजा, मिल रहे हैं वहाँ पे। फिर भी जीजा स्लो ही चल रहे हैं, वो उनका ये टारगेट है कि वो हम लोग को लेके जाए, लेकिन हम लोग का टारगेट ये है कि हम उनके साथ नहीं जाएंगे। अभी भी वो कंटिन्यूस कोशिश करते जा रहे हैं, लेकिन वो इस अभी देख सकते दीदी करने पड़ते हो, क्या कहते हैं, अरे दीदी बोलो ना, कुछ बोलो। बहुत ही तो बस हम लोग चलते जा रहे हैं, प्रयास यही है कि थोड़ा हम लोग का वेट कम हो, क्योंकि आज इस बार 3 दिन में हम लोग जितना खाए हैं वो कम करना हम लोग को ज़रूरी है ना दीदी, खासकर इनको। अब दौड़ना भी नहीं है। अरे कुछ बोलो, बदबू बहुत है। सो हम लोग पैदल ही निकले हुए हैं, और हमारे आगे कुछ लोग जा रहे हैं, उसमें मैं, ये बच्चे पार्टी भी हमारे साथ का ही है, वो हम लोग को लिफ्ट देना चाहा, नहीं लिफ्ट नहीं देना चाहना दीदी, हाँ बाय बाय करके गया। ये हमारी लास्ट गाड़ी है, एक गाड़ी पहले गई, फिर सेकंड जीजा जी वाली गाड़ी, थर्ड मेरी गाड़ी, और इधर ढेर सारी मंकी है। दीदी,
जब सन्नाटा जब ठाकुर के हाथ कटने वाले होते हैं तो यही वाला बजता है। ये है प्राथमिक विद्यालय जहाँ पे मेरे पति छोटे थे तो यहाँ पे पढ़ाई करते थे। ये है उनका गांव, बहुत ही प्यारा सा गांव है। कैसे देखिए ये, और इस जगह का नाम है समदा। और ये दोनों मेरी देवरानी और ननद। चलो बोलो। ये हमारी मामी है जो कि लखनऊ की है। इनका दिमाग खराब है, पैदल चल रही है। हाँ, जो कि हमारी जेठानी जी है, पर्स वर्स टांग के आगे आगे चले जा रही हैं। अभी अभी उन्होंने प्राथमिक विद्यालय दिखाया जिसमें, और ये है देखिए हमारा प्यारा गांव जिसमें हम लोग 3 दिन से सड़ रहे हैं। फाइनली आज हम लोग अपने घर पहुंचेंगे, फैजाबाद अयोध्या। और ये है हमारा पागल बेटा जो स्कूटी से पीछे 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 लगा हुआ है, है ना? कुछ बोल दो। और ये है हमारी दीदी जो कि हम लोग के पागलपन का पूरा पूरा सहयोग दे रही है। पागलों के साथ पागल बनना ही पड़ता है। नहीं छोड़ेगी दीदी। हाँ, ये देखिए मिल गई पानी पूरी की शॉप। फिलहाल हम लोग के पास पैसे नहीं है, हम लोग खा नहीं सकते, बस दिखा सकते हैं। आप लोग देख लीजिए। हाँ, ढेर सारे मच्छरों का इंतजार करते हुए, मच्छरों से गिरे हुए। हाँ, ढेर सारे मच्छरों से। ये है कुकुर, व्हाइट। ये है कुकुर व्हाइट कलर का जो शाम के डिनर का इंतजार कर रहा है। ये है हमारे गांव की बकरियां, और इधर लग गया है पीछे जाम, आप देख सकते हैं हम लोगों की वजह से। अब हम लोग बिना डिले किए घर की तरफ जाएंगे, वरना हम लोग को पड़ने वाली है डांट। ये देखो ये है पाइन एप्पल, और जो कि हम लोग खरीदेंगे नहीं, बस सो कर रहा है बाबा। कह रहे ठीक है। देखिए बाबा जी कितने स्वीट हैं। स्माइल कर रहे हैं। मेरे जेठ, और ये है मेरे देवर जो कि हमें लिफ्ट देने की कोशिश कर रहे, लेकिन हम लोग अवॉइड कर रहे हैं पूरी तरीके से, और ये अभी भी यही बना हुआ है। तो हम लोग इन दोनों को रिजेक्ट करके आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। हमें ये लोग बिल्कुल पसंद नहीं आया। दीदी के पैरों में जवाब दे दिया, और दीदी जो है स्कूटी से जा रही है। आखिर उस लड़के ने अपनी बात को मनवा लिया और बात देख दी। हाँ, और वो दीदी को लेके जा रहा है। दीदी बाय। दीदी पहुंच गई और उतर भी गई है। ये देखिए, तो ये है गांव की गलियां। ये देखो छगड़ी, ये है छगड़ी। तो ये है हमारा सबसे पुश्तैनी घर, जहाँ पे सबका, मतलब मेरी ननद जी का और मेरे पति का, उनके भाइयों का यहाँ पे जन्म हुआ है, खाया जाए। और पहले से हमारे हस्बैंड सारे यहाँ बैठ के हम लोग का वेट कर रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं घर, और यहाँ पे बातें हो रही हैं और विदाई ली जा रही है। सो अब मैं मिलूंगी अपने ससुराल में।